बड़ी खबर जरा आपको बता दें, राजस्थान के नए सीएम ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को चिट्ठी सौंपी है। फिलहाल ये तय नहीं है कि शपथ ग्रहण कब होगा, लेकिन आपको बता दें अब तारीख आ गई है, 15 दिसंबर को राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो रहा है। राजस्थान के नए सीएम चुने गए हैं, वहीं उसी के साथ तारीख 15 दिसंबर जब भजन लाल शर्मा नए सीएम पद की शपथ लेंगे। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं, राजनाथ सिंह बतौर पर्यवेक्षक वहां पर गए थे, क्या उन्होंने बताया, किस तरह से समझाया कि नाम प्रस्तावित किया वसुंधरा राजे। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किलोई लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। दो उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए अतुल लौंडे पाटिल जी, ये तो तय है कि बीजेपी एक रणनीति के साथ चलती है और अच्छा है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि विष्णु मोहन और भजन के साथ जो 2024 की तैयारी में बीजेपी लग गई है, पता नहीं क्या सोचकर कैसे सोचकर पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है कि दिग्गज उसके सामने बौने हो जाते हैं। वरना आपकी पार्टी में तो हम लोगों ने देखा ही है सर, राजस्थान में क्या क्या नहीं हुआ, और पीएम ने उसको भी अपने भाषणों में खूब उजागर किया। सचिन पायलट का इशू उठा दिया, जनता ने वो सब सुना समझा और बीजेपी को देख रही है जहां पर पार्टी अगले चुनाव में क्या कर सकती है, पार्टी को क्या हासिल हो सकता है, पार्टी नेतृत्व क्या सोच रहा है, पार्टी के इर्द गिर्द ही पूरा मामला अटकता है। दिग्गज कौन कितना बड़ा, किसको कुर्सी पकड़ रही है, किसको कुर्सी छोड़ रही है, ये सब बेमानी हो जाता है। अंजना जी, थोड़ा सा आपके विश्लेषण को मैं दुरुस्त कर दूं, ये बीजेपी पार्टी नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का खेल है। तो स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि 2024 में जब लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा चुना जाएगा तो वो भी ऐसे किसी नए को चुना जाएगा, इसी परंपरा को आगे रखा जाएगा। देखते हैं, अभी घोड़ा मैदान बहुत दूर नहीं है, मई में नया प्रधानमंत्री मिलना है देश को, तो देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से कौन सा नया चौंकाने वाला चेहरा, या देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं या फिर नितिन गडकरी आ जाते हैं, फिर या फिर कोई ऐसा चेहरा जैसे विष्णु भजन और इनके आए हैं नाम मोहन के, तो ऐसा ही कोई नाम प्रधानमंत्री के लिए आता है क्या, देखते हैं। अगर वैसा नाम आया तो फिर कह पाएंगे हम कि ये बीजेपी का रणनीति है, ये एक पार्टी की रणनीति है। अगर नहीं आता है तो ये फिर पार्टी की रणनीति नहीं है, सिद्ध हो जाएगा ये रणनीति। लड़े थे अतुल जी, किसके चेहरे पे चुनाव लड़े थे तीनों राज्यों में? देखिए, जब परिस्थिति ऐसी थी कि बीजेपी जीत कर नहीं आएगी तो लोकल चेहरे थे, और जैसी परिस्थिति ऐसे दिखने, जब नतीजे आ गए तो फिर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ लिए, ऐसा हो गया था। तो ये दो अलग, कैमरे के सामने आप बोलते हैं या कैमरे के पीछे भी यही सब बोलते हैं? अंजना जी, कैमरे के पीछे वही बात थी और आगे भी यही बात थी, सिर्फ हार और जीत की बात थी। हारे तो लोकल लीडर हारे, जीते तो मोदी जी जीते। ये नैरेटिव सही है या गलत नहीं है आपका अंतरात्मा जानता है और ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन नहीं भी जानने की कोशिश की, राज्य का चुनाव सिर्फ पीएम के चेहरे पर लड़े थी बीजेपी, ये बताइए। डबल इंजन की बात करते हैं, कौन सा चुनाव? कर्नाटक तो बसवराज बोम्मई को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया था। आप एक समझ लीजिए, बसवराज बोम्मई जी को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था,
वहां पर मोदी जी थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, या फिर खोल के देख लीजिए कब असर आप मुंबई को उन्होंने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया। लक्ष्मीकांत जी वहां पर मोदी जी का जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि दो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इर्द गिर्द पूरी पार्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र स्थापित हो गया है आपकी पार्टी में। देखिए मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता की बेचारगी समझ में आती है कि किस तरह तीन राज्यों में चुनाव हारे हैं, उसके बाद इनकी जो भाषा है वो किस तरह की हो गई है। लेकिन आप ये समझिए कि राजस्थान सहित बाकी के राज्यों में प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़े, राजस्थान में तो बाकायदा नारा चला मोदी साथ है राजस्थान, और उसको लेकर पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता उतरे हैं। मोदी जी ने जो सभाएं की उसमें अपार जन समर्थन सबको देखने को मिला था, जिस तरह जयपुर का रोड शो था उसमें जो लाखों की संख्या में जनता आई थी, उसने उसी दिन बता दिया था कि राजस्थान मोदी साथे है। और आप ये मानकर चलिए कि आप ये कह रहे हैं कि आप किसी को भी बना देते, भैया ये गांधी परिवार थोड़ी है, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मंडल का कार्यकर्ता गृह मंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। वैसे ही सरपंच से शुरुआत करने वाले, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से शुरुआत करने वाले भजनलाल शर्मा एक राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? यही तो लोकतंत्र है, और यही तो एक पार्टी का लोकतंत्र है जो सिखाती है कि यहाँ पर काम करने वाले कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। आप भजनलाल शर्मा को क्या समझते हैं? भजनलाल शर्मा पिछले 5 साल की कांग्रेस पार्टी की अराजक सरकार के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। आपके राज में पेपर लीक हुए युवाओं के, और उसके ऊपर जब आंदोलन हुआ तो लाठियां चली, और इसी भजनलाल शर्मा जी के ऊपर लाठियां चली, अस्पताल में ये लोग भर्ती हुए। ये जो कांग्रेस पार्टी की समस्या है कि इनके इनके मुताबिक कुछ हो तो ये अपनी बातें रखते हैं, लेकिन अगर किसी कार्यकर्ता को किसी पार्टी में सम्मान मिलता है तो इसको इनसे परिवार जाए। ये जो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, ये बिल्कुल मैं पार्टी ऑफिस में ही हूँ और बहुत उत्सव चारों तरफ मना हुआ है। अब ये जी बिल्कुल आप ये देखिए कि जिनको आदत है एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने की, जिनको आदत है कि वो एक परिवार के ही सब कुछ उसी के चरण वंदना करते रहते हैं। राजस्थान में जब पिछला 2018 का चुनाव हुआ था तो अशोक वो सचिन पायलट के फेस के ऊपर हुआ था, लेकिन गांधी परिवार उनको नहीं चाहता था, इसलिए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। ये जो 10 साल तक मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में बिठा सकते हैं, वो लोग आज बात करते हैं कि भजनलाल शर्मा कैसे चुने जाते हैं। भजनलाल शर्मा पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दशकों से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भजनलाल शर्मा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 साल कांग्रेस की अराजक सरकार के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ी है, और कांग्रेस की अराजकता को खत्म करके राजस्थान में एक सुराज को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। पटाखों की आवाज पहुंच रही है कि नहीं अतुल जी? ऐसा है कि उनका अभिनंदन तो हमने किया है और करना ही चाहिए, लोकतंत्र में वो चुनाव जीते हैं तो उनका अभिनंदन करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देखिए तकलीफ क्या है, जिस परिवार के बारे में ये बात करते हैं, जहर उगलते हैं, 1989 के बाद आज की तारीख है 2023, कई बार ऐसे मौके आए, राहुल जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, सोनिया जी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन सोनिया जी को जब मैंडेट मिला था 2004 में, तब किस तरह का बर्ताव जो है वो सुषमा स्वराज जी ने किया था, अभी वो जीवित नहीं है तो उनके बारे में बात करना ठीक नहीं, वो हमारी राजनीतिक संस्कृति को पकड़कर नहीं है, लेकिन किस तरह का बर्ताव किया था। और फिर मनमोहन सिंह जी बने थे, 2009 में भी मैंडेट मिला था, कौन से संविधानिक पद पर राहुल जी या सोनिया जी रहे थे? लेकिन ये जो है नफरत जो है कि जनता उनके साथ में है, जनता ने उनको आज तक जो है अपने सर पर बिठा के रखा, ये बात की। जेपी नड्डा जी का चुनाव कब हुआ किसी को पता ही नहीं है, इज ए नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। हमारे यहाँ ब्लॉक से आए हुए एक दलित व्यक्ति जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के बाद अपनी माँ को भी खो दिया था, जला दिया गया था रजाकारों के द्वारा, भाई भाई भी जला दिए गए थे, पूरा परिवार जला दिया गया था, सिर्फ पिताजी और वो दोनों ही बचे थे। एक कामगार एक ब्लॉक अध्यक्ष से उठकर अध्यक्ष बने, वो भी चुनाव के प्रक्रिया द्वारा। तो ये लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है, जहां नॉमिनेटेड हुआ वो लोकतांत्रिक चुनाव है, और जहां हाईकमान की सरकार दिख रही है सीधी सीधी, ये जो तीनों मुख्यमंत्री है ये हाईकमान के मुख्यमंत्री है, और वो जो विष्णु साय जो है वो तो बड़े सभ्य व्यक्ति है, एकदम सभ्य व्यक्ति है, हमने देखा उनको मुख्यमंत्री बनने के पहले उनको जिस तरह का उन्होंने बर्ताव किया वो देखा। फिर आपने मोहन यादव जी की बात की, ये तो मैंने बिल्कुल है कि राम जी की जमीन नहीं छोड़ी उन्होंने, वैसे महाकाल की भी जमीन नहीं छोड़ी, वो भी उनके ऊपर एक केस चल रहा है, वो मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनके पार्टी का मसला है। लेकिन झूठ बोलना और बार बार एक परिवार को जितनी गाली दे सकते हो देना, सोनिया जी को तो क्या क्या निकाल है, राहुल जी को तो कहते हैं उसके लिए हजारों करोड़ खर्चा किए, लेकिन ये वास्तविकता है। बताएं मुझे 1989 के बाद किस गांधी परिवार का व्यक्ति, मौका होने के बावजूद, लोगों ने मैंडेट देने के बावजूद, तब जनता का मैंडेट नहीं था क्या, तब लोकतंत्र नहीं था क्या, और उन्हें उन्हें मैंडेट मिलने के बावजूद वो कोई संवैधानिक पद पर नहीं रहे, फिर भी ये कितने दिन तक, देखिए अंजना जी कितने दिन क्वेश्चन है सर, आपकी बात हो गई, आपने लंबा बोला और अच्छा है, आपकी पीड़ा हम लोग समझते हैं, गांधी परिवार पर कोई बोलता है तो आपको दर्द होता है, वो ठीक है, अच्छी बात है, 3 मिनट आपने उस पर बोला,
लेकिन प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी ने किस तरह के शब्द, बीते दिन ही, ज्यादा दूर मत जाइए, अभी कुछ दिन पहले किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, वो आप लोग भूल जाते हैं या फिर उसको जानबूझकर उसको अनदेखा कर देते हैं। वरना अगर भाषा की मर्यादा सिखानी है तो आप राहुल जी को भी सिखाइए। उन्होंने पीएम के लिए भारत के वर्ल्ड कप हारने पर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मुंह से निकालना मुश्किल है। नहीं, बहुत अच्छी बात है अंजना जी, आपकी आपके दिल में पीड़ा है, आपको ऐसा भाषा का संज्ञान ले रही है आप, बहुत अच्छी बात है। आपने संज्ञान लिया सोनिया जी को क्या कहा था कांग्रेस की विधवा, किसने कहा था? नहीं लिया, बिल्कुल। आपने मनमोहन सिंह साहब को, ठीक है, अब सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि मीडिया पे बरस जाइए। चोर कहने, नहीं नहीं सबसे अच्छा है। नहीं नहीं, आपसे अगर सवाल पूछूं तो आप मुझ पे बरसिए, लक्ष्मीकांत जी से पीएम पे पूछूं तो वो मुझ पे बरसे। एक मिनट, आप जब ज्ञान दिए 3 मिनट सर, तो थोड़ा सुनना भी चाहिए। नहीं, आपने ज्ञान दिया कि गांधी परिवार को हित कर रहे हैं, तो आपको तब बोल सकते। आवाज, एक सेकंड देखिए सर, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए सर, चिल्ला चिल्ली वाली बात, मैं आपसे काउंटर आर्ग्यूमेंट सिर्फ कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं गांधी परिवार पर ऐसे टारगेट करते हैं, लेकिन अगर आपने भाषा की मर्यादा रखी होती तब आप ये सवाल बोलते तो ज्यादा शोभा देता। बस इतनी सी बात।